अभी वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी अपने निष्कर्ष पर पहुंची भी नहीं है कि वक्फ संपत्ति से जुड़ा मामला तूल पकड़ रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद छात्रों ने सड़कों पर उतरकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें छात्रों ने हाथों में तख्ती और पुतला लेकर वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन किया। छात्रों ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए पुतले पर वक्फ बोर्ड की मनमानी नहीं चलेगी लिखे पुतले को आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने वक्फ बोर्ड से सवाल किया और कहा कि यह शिक्षा का स्थल है, इधर विवाद न खड़ा किया जाए। वैसा हम लोगों ने वक्फ बोर्ड का पुतला दहन किया है। पिछले शुक्रवार को आप लोगों ने देखा होगा कि इन लोगों ने शक्ति प्रदर्शन किया, मुस्लिम बंधुओं ने। उदय प्रताप कॉलेज जो है ये विद्या का प्रांगण है, ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है। जो यहाँ आके लोग शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके पास किसी भी प्रकार का कागज पत्तर कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन फिर भी ये 500 से 800 की संख्या में आते हैं। कोई लंका से आता है, कोई बीएचयू से आता है। मेरा ये कहना है कि जो असली नमाजी है, जो पाक 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं, और कुरान में ये लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कुरान में लिखा है कि जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड होती है वहाँ नमाज अदा नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ लंका और बीएचयू से आके लोग यहाँ सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। ये विद्या का मंदिर है, यह कोई धार्मिक स्थल नहीं है कि यहाँ लोग आके शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। तो राजर्षि के मानस पुत्र जग चुके हैं। हम लोग दुखी होके इनका पुतला दहन किए हैं, और जिला प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री योगी सरकार से मांग करते हैं कि इन लोगों की जांच हो कि कौन लोग आके सामाजिक समरसता को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, यदि वो कह रहे हैं तो इसकी जाँच कराई जाए। हम भी 2005 से इस कॉलेज में पढ़ते हैं और आज 2024 का दौर चल रहा है। 20 साल में यहाँ केवल 5 लोग आते थे, और मैं उन्हीं से सवाल करना चाहता हूँ कि कॉलेज की बिजली लेते थे, कॉलेज का पानी लेते थे। आज जब इनके पास पेपर नहीं मिला तो कॉलेज ने इनका बिजली कटवा दिया, और इनके पास कोई पेपर नहीं है कि इनको बिजली विभाग परमिशन दे। और ये कहते हैं कि ये मेरा 1872 का है, तो 1872 की यदि आपकी जमीन है तो आप पेपर दिखाइए, और जहाँ आपकी जमीन रहेगी वहाँ मस्जिद बना देंगे। नवाब टोक के खानदान वालों को लाइए यहाँ पे, उनके उनके पुरखों को लाइए। देखिए, यदि जिला प्रशासन इस चीजों को काबू पा लेती है कि नहीं, इन लोग 5-7 की 10 की संख्या में, दर्जन की संख्या में आए और अपना पूजा पाठ करें, तब तो ठीक है। लेकिन यदि ये लोग विरोध प्रदर्शन का करने का काम करेंगे तो आने वाले जुम्मे में हम लोग इनको घुसने नहीं देंगे और सख्त विरोध प्रदर्शन हम लोग करेंगे। कॉलेज प्रशासन हमारे साथ है। कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि इनका कुछ नहीं है, रोड भी हमारा है, ये रास्ता भी हमारा है, और ये राजर्षि जी की तपोभूमि है, और ये हम लोगों का है। कॉलेज प्रशासन हम लोगों के साथ है। हमारी मांग है कि जैसे इन लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, अगर इनको रोका नहीं जाएगा प्रशासन के द्वारा, तो हम लोग पिछले शुक्रवार को रोके थे, अगर इस बार नहीं होगा तो कॉलेज का गेट बंद करके इनको रोकेंगे, और हम लोग कल हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, और शुक्रवार तक ऐसे ही हमारी संख्या बढ़ती जाएगी। इनकी संख्या पहले 5-10 में थी, और आज हजारों में संख्या में आ रहे हैं। ये शिक्षा का मंदिर है, जहाँ पठन पाठन का कार्य होता है, वहाँ ये लोग नमाज पढ़ने आ रहे हैं लुंगी में, और ऐसे जहाँ एक ड्रेस कोड लागू है, और ये लोग लुंगी में यहाँ आके पूरा माहौल बिगाड़ते हैं। यहाँ पहले संख्या कम थी, और यहाँ इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। जहाँ भी ये लोग अपना मतलब इसको विवादित करना चाहते हैं, वहाँ ये लोग संख्या ऐसे ही बढ़ाते हैं। पहले यहाँ 5-10 लोग आते थे, और आज यहाँ संख्या हजारों में इनकी है। हमारा कॉलेज तो खुद ही लिख के दे दिया है कि इनका यहाँ कुछ नहीं है, और ये कोई मस्जिद नहीं है। उदय प्रताप कॉलेज से जुड़ा मामला उस समय सामने आया जब सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी कर उदय प्रताप कॉलेज की 100 एकड़ से अधिक जमीन पर दावा किया था। ये दावा कॉलेज परिसर के अंदर एक ऐतिहासिक मस्जिद से जुड़ा है। हालांकि कॉलेज प्रशासन ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह जमीन एक चैरिटेबल एंडोमेंट की है, जिसे न तो हस्तांतरित किया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है।